Hello children, so are you ready for the day 3? तो आज तीसरा दिन है कैंप का और हमने कल तक क्या सीखा था? कल तक कैपिटल जो थे वो वर्ड्स लेटर्स सीखे थे, अभी हम कुछ स्मॉल का सीखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम, देखिए ए बनाया है, ठीक है। ये हमारा स्मॉल का ए बन गया है। अभी हम देखते हैं सेकंड लेटर हम बनाएंगे बी। देखिए बी बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से शुरू करें, ये और इसका एक राउंड बना के ये हमारा बी हो गया है। ये आपका बी स्मॉल का रेडी हो गया है। अभी हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेटर, दैट इज सी। ये आपका स्मॉल का सी बन गया है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर बनाएंगे डी। तो जिस तरीके से आपने बी बनाया था आप इसको अपोजिट कर दीजिए तो ये आपका डी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये तरीके से इसको बनाना है। इसका बिल्कुल अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा इसको कंप्लीट करें। यानी ये जो मैंने इस साइड घुमाया है आप इसको इस साइड घुमाकर और पीछे ले जाकर कर सकते थे, या इसको इस साइड ले सकते थे, ठीक है। हम चाहें तो इस लाइन को इसमें भी अटैच कर सकते हैं। ये आपका डी रेडी हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बनाना है ई। तो ई बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ई बनकर रेडी हो गया है। अभी हम बनाते हैं एफ। तो एफ बनाने के लिए इसको ऐसे कर दीजिए। ये आपका एफ बनकर रेडी हो गया है। अभी इसके लिए हमें जी बनाना है, तो हम अपना पेज टर्न कर लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेटर जी सिखाने वाली हूँ। तो जी के लिए हमें क्या करना है, सेम वही यहाँ से स्टार्ट करिए, इसमें ले लीजिए, ऐसे नीचे लाइए, ऐसे हो जाइए, ठीक है। तो आपका जी बनकर रेडी हो गया है। अभी जी बनाने के बाद हम एच बनाएंगे। सेम उसी प्रोसीजर से यहाँ से शुरू करिए। ये आपका एच बन गया। आपका एच रेडी हो गया है, ठीक है। एच बनाने के बाद हम बनाने वाले हैं आई। तो आई बनाने के लिए वेरी सिंपल, ले जाइए, ठीक है। आई के बाद अभी हमें बनाना है जे। तो हमें जे बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल वही बार पैटर्न बार बार यूज हो रहा है, बहुत इजी वे में बन जाएंगे। बड़े बच्चे तो बहुत जल्दी बना लेंगे इसको, मे बी कि छोटे बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये आपका जे रेडी हो गया है। जे के बाद अभी हम बनाने वाले हैं के। तो सेम जैसे हमने एच का प्रोसीजर किया था, सिंपल राउंड राउंड और ये आपका के बन गया।
दहिया का के बनकर रेडी हो गया है। अभी हम बनाएंगे एल, तो एल सिंपल कुछ नहीं करना है एल में। एल, और अभी आज का जो लास्ट लेटर है वो है एम, तो हम आज का एम और सीख लेते हैं। सिंपल एम बना कर लिया, और जैसे आपका एम बनता है वैसे ही उसको बना दीजिए। थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसे रखिए, तो ये आपका अभी एम रेडी हो गया है। तो आज हमने क्या क्या सीख लिया है ये देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L और M। तो बाकी जो बचा हुआ है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।